हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। और बताएं क्या हाल चाल, सब ठीक है? क्या हो रहा है आजकल? चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने कल पढ़ाया हुआ था केमिस्ट्री का कुछ पॉइंट्स, टू पॉइंट्स मैंने पढ़ाया हुआ था। आज मैं नया पॉइंट्स पढ़ाऊंगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। आज मैंने एक कमेंट देखा भाई का, दीपक भाई का मैंने आज कमेंट देखा। उन्होंने बताया कि आप सर सीबीएसई का साइंस एंड मैथ इंग्लिश में पढ़ाएं, तो मैथ तो हमारा इंग्लिश में होगा ही, मैथ एनसीईआरटी का इंग्लिश में ही होगा। मैं ट्रिगो से शुरू किया हूँ ट्रिगोनोमेट्री, तो आप जाकर के वहां एक लिंक जिसमें सेंड कर दूंगा मैं, यानी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैथ का, और जो है सबको डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। रही बात आपको सीबीएसई का एनसीईआरटी बुक, तो ये सारी जितने पॉइंट्स है सब एनसीईआरटी का ही है। थोड़ा मैं इसको बीएसईबी और सीबीएसई दोनों लेकर के चल रहा हूँ, क्लास टेंथ का सीबीएसई और बीएसईबी यानी बिहार बोर्ड को भी लेकर के चल रहा हूँ। एनसीईआरटी का ही पॉइंट्स है सब, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा इसको हम क्या करते हैं, इसको हिंदी में भी बता देते हैं, इंग्लिश में भी बता देते हैं। इसमें करना क्या है आपको, मैं ये जैसे एग्जाम्पल ले लिया, आपको मैंने बता दिया कि ये क्या होता है, एक कहानी के तौर पे, ट्रांसलेशन के तौर पे आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं अपने बुक में। पहले इसको पढ़ लेंगे क्या, मैं यहाँ पे आपको समझा दूंगा कि मतलब न्यूट्रलाइजेशन क्या है, उसको एक बार बुक में देख लीजिएगा कि उसका डिफिनेशन उसमें क्या दे रहा है, ठीक है? तो वो भी देखना जरूरी है, ये नहीं कि बस इसी पर डिपेंड रह गए, बुक को भी देखना है, यहाँ पर भी देखना है। तो सीबीएसई का क्या है, यहाँ पे पहले मैंने हिंदी में बता देता हूँ डिफिनेशन, उसके बाद सब उसका मेन मेन पॉइंट्स इंग्लिश में लिख देता हूँ, ताकि आपको सीबीएसई वाले को भी समझ में आ जाए, बिहार बोर्ड वाले को भी आ जाए। तो एक तीर दो निशाना, समझ कहावत है ना भाई, एक तीर दो निशाना, तो वही करना है, ठीक है? तो हमारे बिहार भाइयों के लिए भी होगा, सीबीएसई बोर्ड के लिए भी होगा, तो ट्रांसलेट तो कर ही सकते हैं, लेकिन मैं कुछ और बेहतर करना चाहूंगा, ऐसा करूंगा ताकि सीबीएसई वाले को भी पूरा का पूरा समझ में आए। कहानी है भाई, सीबीएसई में क्या है, आपको टीचर क्या करता है भाई, उसका इंग्लिश पढ़ लेता है, उसके बाद सबको हिंदी में डिफाइन कर देता है, हिंदी में समझा देता है। ये नहीं ना कि उसको एकदम रटवा दिया, तो रटने वाला काम नहीं करना है, इसको सही से समझ लेना है, उसके बाद से उसको ट्रांसलेट कर लेना अपनी लैंग्वेज में, उसको सजा कर लिख देना है। तो ये हुआ सीबीएसई का इंग्लिश हुआ, ठीक है? और हिंदी का तो होगा ही, यानी बिहार बोर्ड का हो ही जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। और रही बात एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी बुक इंग्लिश में ही पढ़ाऊंगा मैं, बीएसई भी जो बिहार बोर्ड है उसको हिंदी में भी क्वेश्चन बता दूंगा, लेकिन हिंदी इंग्लिश दोनों सेम ही है, इंग्लिश लेके चलूंगा, बिहार बोर्ड का भी उसमें हो जाएगा, ठीक है? तो आज मैं केमिस्ट्री का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ाऊंगा। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसका हिंदी होगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या है उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्या है इसको समझते हैं क्या है। देखिए इसमें होता क्या है, जब कोई अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाए, उसी को हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी कि अम्ल क्या है, एसिड है इंग्लिश में। अब देखिए आपको सीबीएसई पैटर्न वाले की एसिड प्लस भस्म यानी कि बेस, एसिड और बेस मिल करके यानी कि विद रिएक्ट करते हैं, दोनों मिल करके क्या बनाते हैं यहाँ पे, यानी कि साल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। अब समझ में आया? तो कोई पूछेगा व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन, तो सीबीएसई वाले क्या कहेंगे, एसिड और बेस ट्रांसलेट कर देंगे भाई, एसिड और बेस मिल करके साल्ट और वाटर बनाते हैं। तो वैसी अभिक्रिया, अब हिंदी वाले देखें, वैसी अभिक्रिया यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया उसे कहते हैं जब कोई अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाए, उसको हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। एकदम समझ में आया होगा, इसमें अम्ल क्या है, एसिड क्या है, HCl एसिड है, कोई ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, बताइए इसमें कौन सा एसिड है यानी कि कौन सा अम्ल है, तो दे देगा NaCl, NaOH और कुछ दे देगा, तो आप क्या मारेंगे, अम्ल में क्या है, HCl अम्ल है, अम्ल HCl यानी HCl प्लस NaOH यानी कि ये क्या है, भस्म है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोरीन, ठीक है,
अब ये क्या है NaOH हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम क्लोराइड और क्या बनाता है जल बनाता है, क्या बनाता है जल बनाता है, इसी को हम क्या कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इतना तो समझ में आया होगा, पूरा क्लियर समझ में आया होगा। आगे तो ये क्या हुआ आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके NaCl और H2O बनाया, इसको हम इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रो इसको क्या मैं गलत बता दिया था, ये होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉरी हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड का क्या हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका हो जाएगा सोडियम, क्या हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड। अब ये क्या होगा सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, ये क्या हो जाएगा वाटर हो जाएगा, ठीक है हाइड्रोक्साइड। तो इसका डेफिनेशन अब समझ में आ गया, कोई अम्ल भस्म के साथ रिएक्ट करके लवण और जल बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं छोड़ो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो एकदम सही से पढ़ना है, कंसेप्ट के साथ पढ़ना है, फॉर्मूला के साथ पढ़ना है, ये आपको याद रहेगा, इतना पॉइंट आपको याद रहेगा तो ये जो मैजिक आप क्या करेंगे इसको समझ लेंगे, क्या करेंगे इसका डिफिनेशन आपको आ जाएगा। एनसीईआरटी वाले यानी कि सीबीएसई बोर्ड वाले क्या हो जाएगा एसिड और बेस, ये क्या है अम्ल है, यानी कि एसिड और बेस भस्म है, आपस में रिएक्ट करके क्या बना है साल्ट और वाटर बना है। वैसे ही यहां पे देखिए H2SO4 ये क्या है एसिड है, H2SO4 क्या है एक एसिड है यानी कि एसिड है अम्ल है, और क्या है प्लस ये भस्म है बेस है, रिएक्ट करके क्या बना है पोटेशियम सल्फेट बनाया, पोटेशियम सल्फेट बनाया और ये 2H2O यानी कि पानी बनाया। इतना समझ में आ गया आपको क्लियर हो गया, यानी कि सल्फ्यूरिक इसका क्या हो जाएगा सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ये क्या हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या है हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट, और ये क्या हो जाएगा पानी आपका हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है। तो इतना समझ में आया आपको न्यूट्रलाइजेशन क्या है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इतना एकदम गौर से देखिए उसके बाद इसको रेस करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए मैंने इरेज कर दिया, अब हमको पढ़ना है फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है इसको हम आगे पढ़ते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, इसका हिंदी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होता है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है इसको हम जानेंगे, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन ये इंग्लिश हो गया, उसका हिंदी क्या हो जाएगा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, तो वैसी अभिक्रिया वैसी रिएक्शन या फिर वैसा रिएक्शंस जो क्या करे प्रकाश की उपस्थिति में अपना प्रकाश ये क्या हो संयोग करके प्रकाश यानी कि ये सनलाइट से क्या अपना रिएक्शन किसे किया सनलाइट, सनलाइट से रिएक्ट करके जो बनाता है उसको हम क्या कहते हैं यानी कि ये संयोग करके सनलाइट से रिएक्ट करता है यानी कि सनलाइट से प्रकाश संश्लेषण से यानी कि सूर्य के प्रकाश से जो चीज बनता है उसको हम क्या कहते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड सनलाइट से रिएक्ट करके क्या बनाया ग्लूकोज बनाया, क्या बनाया ग्लूकोज बनाया, ग्लूकोज बनाया यानी कहने का मतलब वैसा रिएक्शन वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो अपना भोजन या फिर अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में बनाए, ठीक है उसको हम क्या कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं, उसे क्या कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कोई भी चीज प्रकाश से यानी कि
सनलाइट से अपना भोजन तैयार करे या फिर प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्ट करे या फिर अभिक्रिया करे, यानी कोई भी अभिक्रिया या कोई भी पदार्थ, कोई भी चीज बनाने के लिए उसको क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। क्या चाहिए? सूर्य की प्रकाश चाहिए। सूर्य की प्रकाश से की उपस्थिति में जो चीज बनाता है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, यहाँ पे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो चीज बनाता है उसको हम क्या कहते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। समझ में ना? यानी हाइड्रोजन क्लोरीन, ये क्या है? हाइड्रोजन, इसको लिख देते हैं हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये हो जाएगा प्लस क्लोरीन, प्लस क्लोरीन आपस में रिएक्ट करके क्या बनाया? हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया। क्या बनाया? हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में बनाया। अब जो यहां पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है आपको? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ग्राम है, ठीक है, वन है, एक्वस है, एक्यू को एक्वस कहते हैं, यानी कि पानी कहते हैं, ठीक है, यानी कि एस टू हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रा ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड, यानी कि सनलाइट से रिएक्ट करके क्या बनाया? ग्लूकोज प्लस ये यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे O2 क्या है? ऑक्सीजन हो गया, यानी कि ग्लूकोज बनाया। क्या बनाया? ग्लूकोज बनाया, यानी कि उसको कार्बोहाइड्रेट मिला, कार्बोहाइड्रेट मिला। पेड़ पौधे भी क्या बनाते हैं? पेड़ पौधे क्या बनाते हैं? भोजन किससे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण से ही बनाते हैं, यानी कि प्रकाश से ही भोजन अपना तैयार करते हैं। कौन? पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं? प्रकाश संश्लेषण से, यानी प्रकाश से अपना, यानी कि लाइट से अपना भोजन तैयार करते हैं। इतना तो एकदम समझ में आया होगा। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन उसे कहते हैं जब कोई पदार्थ तत्व यौगिक यानी कि एलिमेंट या कंपाउंड क्या करे? रिएक्ट करे किससे? सनलाइट से, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो चीज बनाता है, या फिर क्या करे? ये आपस में रिएक्ट करके सूर्य के प्रकाश से क्या बनाया? ग्लूकोज बनाया। उसकी उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? सनलाइट की उपस्थिति में। उसको हम क्या कहते हैं? फोटो केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इतना तो एकदम समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं कि ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो ऐसे आप इसको थोड़ा सा चैनल को बढ़ाते रहे भाई, ताकि हमें भी मजा आए पढ़ाने में, सब्सक्राइबर थोड़ा बढ़ेंगे तो मैं मोटिवेट होऊंगा। डेली यही बात बोलता हूँ, लेकिन चैनल अभी नहीं बढ़ पा रहा भाई। तो एक दीपक जी कमेंट किए हुए थे कि सर पढ़ाइए, आप सीबीएसई का भी पढ़ाइए। तो सीबीएसई का तो लेके चल ही रहा हूँ। आप क्या करें, सबसे पहले जितने आपके क्लास साथी हैं सबको इससे जोड़े, कम से कम 10 से 15 स्टूडेंट को जोड़े आप, ताकि मैं और बेहतर कर सकूं, और जितने सारे ग्रुप में भेजे, ताकि मैं और बेहतर पढ़ा सकूं। एकदम समझ की गारंटी है, समझ में आएगा आपको, एकदम कहानी के तौर पे दिमाग में सेटअप करेगा। बस आप चैनल को बढ़ाएं, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन वीडियो का मिलते रहे। तो आप जो भी पढ़े पूरे कंसेप्ट के साथ पढ़े, सही से पढ़े, ताकि आपको पूरा समझ में आए। जो भी टॉपिक दिया जाए उसको पूरा कंसेप्ट के साथ वो क्लियर होए। रट्टू मार नहीं पढ़ना है, जो भी पढ़ना है दिमाग से पढ़ना है, उसको दिमाग में सेटअप करना है, तब जा करके आपको ये समझ में आएगा और एग्जाम में लिख सकेंगे। तो आपको तो न्यूट्रलाइजेशन भी समझ में आ गया। क्या बताया था अभी? अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, उसको न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है? प्रकाश की उपस्थिति में जो अपना की उपस्थिति में जो चीज बनाता है उसको हम क्या कहते हैं? इसको एग्जाम में आ जाएगा ना, तो ये चीज लिखना जरूरी है, ये चीज लिखना, एग्जाम्पल लिखना जरूरी है, तब आपको नंबर मिल पाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो बस परिभाषा डिफिनेशन लिख देने से नहीं होगा, इसको लिखना बहुत जरूरी है। आपको आगे भी पढ़ना होगा, 11, 12 और आगे भी पढ़ना होगा, ठीक है। तो जो भी पढ़े पूरे कंसेप्ट के साथ पढ़े, तो ये भी आपको आगे, यानी कि इंग्लिश में क्या होगा? अम्ल यानी कि एसिड, भस्म बेस, एसिड बेस रिएक्ट करके क्या बनाया?
साल्ट एंड वाटर बनाया, डेट इज कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। ऐसे ही चैनल को कुछ बढ़ाते रहे भाई, आज तो दो सब्सक्राइबर बढ़े हुए हैं। चलिए, एक हमारा सब्सक्राइबर हमें बहुत मोटिवेट करता है, तो प्लीज सीबीएसई वाले चैनल को आगे बढ़ाएं और बेहतर करूंगा, मैथ लेकर के आऊंगा, एक वीडियो और बनाऊंगा इसका अगले दिन, यानी कि नेक्स्ट वीडियो केमिस्ट्री का होगा। उसके बाद से एक हमारे बड़े भाइयों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आऊंगा, पढ़ाऊंगा, उसके बाद से सीधा मैथ पे आएंगे, ट्रिगो पे, ठीक है, NCERT, समझ में आया इतना। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू, सैल्यूट यू।